गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्शन की जो आपकी डेंटल मैथमेटिक्स चल रही थी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रॉपर फ्रैक्शन, बेस फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका था। अब बेटा मेंटल मैथमेटिक्स में नेक्स्ट में हमारी एक्सरसाइज 6 है, इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और हमें इसमें क्या करना है। एक चीज बहुत आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि जो मेंटल मैथमेटिक्स है, ये मेंटल मैथमेटिक्स एक तरीके की न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे जाके तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको मैथमेटिक्स का यूज करना होगा, वो भी मैथमेटिक्स ही बस वो न्यूमेरिकली फॉर्म में होती है, जिसको रीजनिंग में बोलते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग। चलो देखते हैं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक थाउजेंड। इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए कि हाउ मेनी हंड्रेड्स मींस कितने हंड्रेड मिलकर क्या बनाएंगे थाउजेंड। तो देखो मिल क्या रहे हैं हंड्रेड्स, हाउ मेनी मींस कितने। तो देखो इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं तो आपको ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। हाउ मेनी जैसे ही कहे तुरंत आप इसको लेटस एक्स हंड्रेड है तो एक्स में इनटू क्या कर देना हंड्रेड, और कितना बनाते हैं थाउजेंड, तो इक्वल टू आप क्या कर देना थाउजेंड। अब आपको यही हाउ मेनी मीन्स एक्स हमने लेटस किया यही इसका आंसर होगा। तो जब हम एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 1000 अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा कितना होगा 10, और नीचे क्या बचा 1 1, प्रत्येक नंबर्स एवरी नंबर्स के नीचे रहता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो x इक्वल टू हमारा ये सीधा आंसर अब यहाँ क्या बचा 10, यही मेरा आंसर है। फिर देख लो बोला था हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक थाउजेंड, तो थाउजेंड्स लिख लेना। हाउ मेनी हंड्रेड्स मींस मान लिया कि x है लेटस, और हंड्रेड्स को डिवाइड कर देंगे 10 हमारा निकल आएगा। अभी और भी क्वेश्चंस टाइप के हैं, इसको आप लोग देखिएगा। व्हिच इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर। अब जरा ध्यान से देखना, फोर डिजिट का इवन नंबर है तो पहली बात तो है क्या ग्रेटेस्ट, कितने डिजिट है 4, नंबर कैसा है इवन। तो 4 डिजिट का नंबर यदि हमसे पूछा जाता है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट मीन हम जानते हैं 1 to 9, तो 9 हमारा ग्रेट है, तो 4 डिजिट का नंबर तो हो जाता है 9999, लेकिन नंबर कैसा हमको चाहिए इवन, और 9 एक इवन नंबर नहीं है ये मैं बता चुका हूँ। इवन नंबर कौन है 2 4 8 10 12, इस तरीके से। तो इधर बताना है तो वैसे तो मैं 9 लिखता लेकिन 9 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 8, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखना है तो 8 8 8 8, क्योंकि 4 डिजिट का हो गया, ग्रेटेस्ट का 9, लेकिन 9 ऐसा नहीं है इवन, वो ऑड नंबर है तो इवन करना है तो 9 से नीचे आ गए 8 8 हमारा हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट में देखते हैं हाउ मेनी हंड्रेड्स में 1 लाख। फिर वही क्वेश्चन हाउ मेनी जैसे कहे तो लेटस एक्स, और इनटू करने के बाद 100 को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनाना है 1 लाख। तो हमको पता है कि 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 जीरो होता है 1 10 100 1000 10000 लाख। हमको एक्स चाहिए तो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 1 लाख में 100 को डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 1000। अब ये जो मेरा 1000 बचा है यही मेरा क्या हो गया आंसर। फिर देखते हैं व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। पहली बात तो बेटा समझ लो प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है उसके पहले की संख्या, जैसे आपको 10 है तो 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा 9, बोला जाए 30 का प्रीडिसेसर क्या होगा 29, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो हमारा होता है, स्मॉल हमने कहा था कौन सा होता है 0 से वाले,
जीरो वाले कौन कौन से होते हैं इस मार्ग में, सिक्स डिजिट पे लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 पांच जीरो हो गए, मतलब हो गया। तो ये सिक्स डिजिट का कैसा होगा, इसमें आदेश नंबर। अब इसमें क्या करना है, इसका प्रीडिसेसर निकालना है। तो प्रीडिसेसर के लिए हमने बताया था कि एक क्या किया जाता है, इसमें माइनस कर दो, इसी में से आप एक माइनस कर देना ऐसे लिख के, मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ। जीरो से वन जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9, क्योंकि यहाँ से एक कैरी गया होगा, फिर यहाँ भी 9 होगा, फिर यहाँ भी 9 होगा, फिर यहाँ भी 9 होगा, फिर 10 में से चला गया होगा, यहाँ भी 9 होगा। यही मेरा फाइनल क्या है आंसर। जब प्रीडिसेसर पूछा जाए तो नंबर लिखने के बाद एक घटा देना, माइनस कर देना। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, आपकी बात पूछा है स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, तो हमें पता ही है कि स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर आपका यही होता है, 1 के बाद कितना जीरो कर दो, 50, सिक्स डिजिट का हो गया 1 2 3 4 5 6। और क्या निकालना है, सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट वाला। जैसे 10 का सक्सेसर क्या होगा, 11, 12 का क्या होगा, 13। तो आप इसमें क्या करेंगे, सक्सेसर में ऐड किया जाता है और इसमें क्या किया जाता था, माइनस किया जाता था, ध्यान रखना है इसमें आपका माइनस किया गया है, ये नंबर यहाँ जगह नहीं था, मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया। तो इसमें आप जब ऐड करोगे, आप चाहो तो यहाँ ऐड करके यहाँ ऐड कर लो, चूंकि अभी आप लोग प्राइमरी में ऐड करना नहीं जानते हैं, तो 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 1, यही आपका फाइनल क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रीडिसेसर में एक माइनस किया जाता है और सक्सेसर में एक ऐड किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।